नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं वह वीडियो आपको समय पर मिल जाए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसको प्रेस कीजिए। उसके बाद एक बाजू में बेल आइकन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि तभी आप मेरे सारे वीडियो को समय पर पा सकेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आजकल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में स्पोर्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसलिए मैं आपके लिए कुछ मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में खेल व युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसके लिए आंसर होगा दोस्तों 1975 या 1975। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब घोषित हुई? मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब घोषित हुई थी? तो आंसर होगा उसके लिए दोस्तों 2005। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का नाम क्या है? मध्य प्रदेश क्रीड़ा यानी कि खेल परिषद का नाम क्या है? तो आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। अगला प्रश्न लेते हैं, 2003 की खेल नीति में राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि देने का निर्णय लिया? तो इसके लिए आंसर है दोस्तों 1 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला के सहयोग से क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो आंसर है उसके लिए दोस्तों भोपाल में। कुछ स्टेडियम है जैसे कि एस बाग स्टेडियम कहाँ पर है? एस बाग स्टेडियम भोपाल में है। नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? इंदौर में। और रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है? तो तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब कब बना था? तो ये बना था 1980 में। बजरंगी प्रसाद किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बजरंगी प्रसाद किस खेल से संबंधित हैं? तो आंसर होगा दोस्तों कबड्डी से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय है? सॉरी, ये आंसर ही है दोस्तों। तो आप क्वेश्चन आ सकता है कि बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा दोस्तों उसके लिए 1941 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1946 में या 1946 में। अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना हुई थी 1975 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश खेल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश खेल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1957 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बना? मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बना? तो आंसर होगा दोस्तों इसके लिए लतीफ़ अनवर जो है वो पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान बने। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों कि मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित हैं? तो मुश्ताक अली क्रिकेट से संबंधित है, इनका संबंध क्रिकेट से है, यानी कि ये क्रिकेट खेलते हैं। अगला है, आदिवासी खेल कूद विद्यालय प्रदेश में कहाँ स्थित है?
आदिवासी खेलकूद विद्यालय अलीराजपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई? मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता 1941 में खेली गई थी। नेक्स्ट है, विश्वामित्र खेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? विश्वामित्र खेल पुरस्कार 1994 में शुरू किया गया था। अगला है, मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है? तो इसके लिए आंसर है दोस्तों 19 वर्ष से कम आयु के लोगों को। अगला देखते हैं, तो अगला पॉइंट है कि विक्रम पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो विक्रम पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो है 10,000 रुपये। नेक्स्ट है ये, और लास्ट भी है ये, कि विश्वामित्र खेल पुरस्कार की राशि कितनी है? तो विश्वामित्र खेल पुरस्कार की राशि 50,000 रुपये होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, इसके आगे के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।